हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू द 10th एंड द लास्ट डे ऑफ माय 10 डेज विदाउट मदर चैलेंज। तो देखते हैं आज मम्मी फाइनली आ जाएंगी 10 दिनों के बाद। वैसे अभी बात नहीं हुई मम्मी से, तो बात करते हैं और देखते हैं मम्मी कब आएंगी। और आज ना हम थोड़ा जल्दी उठें, 7:30 हो रहे हैं, क्योंकि हमें अभी बुआ जी के यहाँ पर जाना है। आज बुआ जी के यहाँ पर सत्संग है और वो भी काफ़ी बड़ा, तो सारी तैयारियाँ करवानी है, सब कुछ तैयार करना है। तो चलते हैं थोड़ी देर में बुआ जी के यहाँ पे। तो दोस्तों पहले ना नाश्ता करते हैं। दीदी चाय नमक पारे ले आइए, फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर नहा कर रेडी होते हैं और चलते हैं बुआ जी के यहाँ पर। तो दोस्तों मैं तो नहा धोकर रेडी हो गया, लेकिन मोक्ष और दीदी ना इनको 1 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, अभी तक तैयार नहीं हुए। अब बुआ जी के यहाँ लेट हो जाएंगे, वो मेरे इंतजार में बैठे हैं, कितने काम रुके पड़े हैं। गुस्सा आ रहा मुझे इन दोनों के ऊपर ना यार, बहुत देर हो गई, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये। अंदर चल के देखते हैं, थोड़ा सा डांट लगा दूंगा ना मोक्ष में, जल्दी तैयार हो जाएगा। और दीदी में भी, तुम कर क्या रहे हो इतनी देर से, तैयार नहीं हुआ गया तुम पे? ये क्या कर रखा है, बिंदी सी लगा रखी है, तो इसको रगड़ लगा लो पे, मॉइस्चर जरूरी है बाबू, सर्दी में फट जाते हैं। और तुझे कितनी देर हो गई बोलते हुए, तैयार नहीं हुआ गया तेरे पे अभी तक? रगड़ सही से, एलर्जी नहीं कर रही है ये, सही से रगड़ ले इसको। और रगड़ हाथों पे भी लगा। तो फाइनली दोनों भी तैयार होने वाले हैं, चलते हैं फिर। तो दोस्तों फाइनली रेडी हो गए हैं और दीदी और मोक्ष पीछे आ रहे हैं, चलते हैं फिर, कैब भी आने वाली है हमारी। तो दोस्तों फाइनली बुआ जी के यहाँ पे आ गए हम और तैयारी करते हैं अब सत्संग की। खाना बनाना है तो आज खाना मैं और जतिन भैया ही बनाएंगे। भैया शिंटी को खिला रहे हैं और यहाँ रख दिया हमने खीर बनाने। शिंटी हेलो, मेरे पे आएगा? हाँ हाँ, मौसी के पास खेलो। तो दोस्तों आज पहली बार मोक्ष के हाथ में कोई बेबी है और मोक्ष पहली बार खिला रहा है किसी को। चाबी में लगा पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर खीर की तैयारी चल रही है, हमारे आशीष भैया और जतिन भैया खीर बना रहे हैं, मतलब खीर नहीं, काजू बादाम काट रहे हैं। खीर तो हमारी बुआ जी बना रही हैं, आज लंगर के इंचार्ज हमारी बड़ी वाली बुआ जी हैं। इधर खीर बन रही है और बुआ जी सब्जी का प्रोग्राम देख रही हैं, थोड़ी देर में बनने वाली है खीर। नहा दो की रेडी होगी बच्ची, गोरी होगी गोरी बच्ची ना दोगे। तो दोस्तों खीर तो बन गई है और आज के शेफ हैं सब्जी के मैं और बुआ जी। अब छोले की सब्जी रेडी हो रही है, बुआ जी और मैं बना रहे हैं सब्जी छोले की। तो दोस्तों मैं और आशीष भैया जा रहे हैं गज्जक लेने, चलते हैं। तो दोस्तों मैं और आशीष भैया आ गए गज्जक लेने, गज्जक लेकर चलते हैं। चलिए टेस्ट करनी है करो। तो दोस्तों गज्जक लेके घर आ गए और टाइम हो गया सत्संग का, तो अब सत्संग की तैयारी करते हैं। टेबल लगा देते हैं पहले और दरी हमने बिछा दी है, तो दरी तो बिछ गई है, अब बस टेबल लगानी रह रही है, स्टेज लगाते हैं। हे गाइस, तो दोस्तों सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दरी भी बिछ चुकी है और महाराज जी की स्टेज भी लगी है। अब नीचे चलते हैं, दीदी ने हमारे लिए डोसा बना रखा है तो डोसा खाते हैं, चलिए। तो डोसा आ गया है हमारा और डोसा खाते हैं, चलो। मोक्ष कैसे खाए तूने, सारी प्लेट ही वो कर दी। तो दोस्तों सत्संग शुरू हो गया है और चलते हैं ऊपर सत्संग में, और सत्संग की वीडियो अलाउड नहीं है तो उसकी वीडियो मैं शूट नहीं करूँगा, सत्संग के बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों सत्संग खत्म होने वाला है और मैं और जतिन भैया खाना रेडी कर रहे हैं और पूड़ी के लिए कढ़ाई रख दी है और लंगर भी तैयार होने वाला है। खीर बन गई है, छोले की सब्जी भी बन गई और इसमें आलू गोभी, इसमें क्या है, चावल। अब बस पूड़ी बनानी रह गई है, तो मैं विवेक भैया और जतिन भैया हम तीनों पूड़ी बनाते हैं। जाएगी वो गाय
आंटी तुम भी दिखा, तुम भी टीवी पे आओगी। चाची का तो आ गया। तो दोस्तों सत्संग खत्म हो गया और सबने लंगर भी खा लिया है, अब हम भी खाना खाते हैं चलिए। और आज खाने में आपको पता ही है, छोले, आलू गोभी और खीर। आ जाओ इधर, आ जाओ आप भी भैया, आओ चलो, भूख लग रही है यार, आ जाओ फटाफट। तो दोस्तों हमने तो खाना खा लिया है और एक माँ अपने बच्चे को क्या खाना खिलाएगी जो हनी खिला रहा है, देखिए पूरा राजा वाला ट्रीटमेंट चल रहा है। देख रहे हो कैसे गोद में लेट के आराम से खा रहा है। तो हनी बन गया है शिंटी की दूसरी मम्मी। तो दोस्तों खाना तो खा लिया है और अब चाय बना दी है बुआ जी ने, क्योंकि शाम हो गई है और 6:15 बज गए हैं, थोड़ी ठंड भी हो गई है बाहर। हमने भी जैकेट पहन ली है और भैया ने भी ब्रो जैकेट पहन ली। यस ब्रो ठंड हो रही है तो चाय पीते हैं। लव बुआ जी दे दो चाय मेरी। चलिए चाय पीते हैं। तो दोस्तों खाना पीना भी खा लिया है और चाय भी पी ली है और अब हम आराम से बैठे थे, 8 बजने वाले हैं और फूफा जी भी ऑफिस से आने वाले हैं। तो आज जो सत्संग था वो फूफा जी और बुआ जी की एनिवर्सरी की वजह से कराया था और अब शाम को केक कटिंग करेंगे। तो भैया केक ऑर्डर कर रहे हैं और आज हम मंगा रहे हैं बिल्कुल नया केक, ट्राई करने वाले हैं हम चीज़ केक। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो ये वाला मंगा रहे हैं हम, केक है ब्लूबेरी बेक्ड चीज केक। तो आज फर्स्ट टाइम हम मंगा रहे हैं इसको, टेस्ट करते हैं कैसा है ये। और फिर जब केक आ जाएगा, केक कटिंग करेंगे, तब दिखाते हैं आपको कैसा है केक। करती है बच्ची, आई दोबारा करो, दोबारा पूरा दोबारा करो, ऐसे नहीं जैसे अभी कर रहे थे। हाँ पूछी करनी है कल दे, पारी कर दे पारी। शीनी ड्रामेबाज, ये है ड्रामेबाज नंबर वन। ड्रामे बाज है पूरा। दोस्तों फाइनली केक आ गया है हमारा और केक लेके चलते हैं। हमने ना ऊपर छुपा के रख दिया था केक ताकि कोई देख ना ले, तो अब लेकर नीचे चलते हैं। तो 10:30 बज गए और 10:30 बजे काटेंगे आज केक। मोक्ष आजा अंदर आजा दीदी, पहले इसको उसमें रखो। यार ये केक देखने में कैसा लग रहा है, ये है हाँ। क्या हुआ, चीज केक लग कैसा रहा देखने में, चीज जैसा लग रहा है, कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, ये हैवी होता है ना भाई साहब, ये 1100 रुपए का केक है, मैंने खाया है थोड़ा सी सही बात। दोस्तों केक रेडी है और हमारे बुआ जी फूफा जी भी रेडी हैं, आ जाओ फूफा जी। हाँ हैप्पी एनिवर्सरी बुआ जी। फोटो कौन खींच रहा है, ये रहा वीडियोग्राफर, टीवी में देख लेना खुद को। थैंक यू, ये घंटे वाले
खा लेंगे सब काट काट के बाहर लगी है सब नहीं तुझे भी नहीं खाना अरे पांच चार बजे कैसे आ रहे हैं हमारे अभी कल आप YouTube पे देखना भैया मेरे चैनल पे YouTube पे देखना काम से गई थी तो मैं तो दिखा नहीं अच्छा हां ब्रो इधर देखो आप मुझे मत खिलाओ छोड़ो अच्छा गुलाब है गिफ्ट गया जल्दी आ गिफ्ट गया आ रहा है आपको बीवी को भी याद कर लेते अकेले अकेले गिफ्ट भाई इसको कट कर दिया पहले वाले कट कर दिया बाबू को भूल गए मम्मी पापा भूल गए अब जाएगा छीनी जा 25वीं एनिवर्सरी पे हनी था अब तू हनी छोटा था हनी छोटा था बड़ा हनी ना मेरे को छोड़ ही ना रहा कल मैं भी ले रहा हूँ 15 को कल एक साल हो जाएगा बर्थडे पे लिया था इसके विकास के बर्थडे पे हां बर्थडे मेरा था गिफ्ट दीदी को करा था कौन श्वेता का आया था देख रहा कितना बड़ा दिल है भैया मेरा चलो भैया पापा जी मेले लाए थे मैंने चलो चाकू काट कर रख मैं हनी टिट्टू जाओ पूछो जल्दी चाकू कहां टीवी जाओ जल्दी जाओ वहां पे हां भैया भैया चाकू काट कर रख काट के रख अभी आ रहा है आपका दीपक जी को दो हनी भैया को दो महंगा है मैं तो केक लेके चला गया नहीं नहीं बाहर खा गया बाहर से बाहर नहीं नहीं अभी तो मिला ही हेलो भाई ये नहीं लाने तो दोस्तों फूफा जी दे रहे जीजा जी को रिटर्न गिफ्ट क्लैपिंग क्लैपिंग हाँ आगे सब आगे आशीर्वाद पहले तो केक कटिंग भी हो गया और गिफ्ट भी ले लिया इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड मिलेंगे आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाय बाय